हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल चौहान। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार कोविड फैल रहा है, फिर से बढ़ रहा है कोविड, तो प्लीज प्रिकॉशंस लें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना यार, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आपको पता चले कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, यू नो, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। तो बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है आयुर्वेदा बू ब्यूटीफुल ऑयल। ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वायरल में चल रहा है, बहुत लोग खरीद भी रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में बताया जाए। तो बेसिकली इसका काम ये है कि ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करता है, क्योंकि यार मैं चाहती हूँ कि आप या फिर मैं जो भी चीज़ खरीदे उसको हम अच्छे से यूज करें, राइट? क्या होता है कि बहुत बार हम चीज़ें खरीद लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं, हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं और उसका इफेक्ट जो हमारे बॉडी पे पड़ता है, हम जहाँ पे भी उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो वहाँ पे उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ही ख़राब होता है, और फिर उसमें एक्स्ट्रा पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जगह हमेशा वैसे रह जाती है, कभी ठीक नहीं होती है, दाग धब्बे रह जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो खराब होते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें खराब निकल जाती हैं, हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं पर बहुत खराब भी होते हैं, तो हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो ले वो अच्छा हो, हमारे बॉडी पर उसको कुछ गलत इफेक्ट ना पड़े। बेसिकली मैं एज अ कंसर्न ये कह रही हूँ कि जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे ना, पहले उसका रिव्यू देखें, जरूरी नहीं है कि मेरा ही देखें, किसी का भी जिसका आपको पसंद है, पर हाँ अपने चेहरे का अपनी बॉडी का ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की, तो इसमें क्या क्या है एक्चुअली। तो इसमें फ्लैक्स सीड्स, इंडियन स्क्विल, थुहार दूधी एंड कैस्टर ऑयल। तो फ्लैक्स सीड्स का क्या काम है, इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स कप शेप। ये क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है कप शेप के लिए, ठीक है। अब है इंडियन स्क्विल। तो इंडियन स्क्विल का क्या काम है, हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग कप साइज, ये आपके कप साइज को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। अब है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल करता है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सैगिंग स्किन। क्या होता है कभी कभी हमारी स्किन सैगी हो जाती है, तो कैस्टर ऑयल उसको हेल्प करता है कम करने में। थुहार दूधी हेल्प्स इन एनहांसिंग कप शेप एंड टाइटन स्किन, ये कप शेप कुक शेप को एनहांस करने में हेल्प करता है और आपको जो स्किन है ना उसको टाइट करता है। स्टेप वन, ये तो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली आपको ये अपने ब्रेस्ट पे लगाने हैं, तो स्टेप वन ये है कि अप्लाई ट्वाइस अ डे, एक दिन में दो बार ही आपको इसको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि एक बार ही अप्लाई करना है, एक दिन में दो बार ही अप्लाई करना है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि हम एक दिन छोड़कर अप्लाई करते हैं, एक दिन अप्लाई किया फिर दूसरे दिन नहीं, फिर तीसरे दिन करेंगे, मतलब ऑल्टरनेट करते, पर इसका क्या आपको एक दिन में दो दो बार ही इसको अप्लाई करना है। स्टेप वन तो हो गया, अब स्टेप टू क्या है, मतलब कि कब इसको लगाएं, ठीक है। तो एक आप वंस आफ्टर बाथ एंड वंस एट बेड टाइम, मतलब जब आप नहा कर निकलते हो, जब आप सोने जाते हो उसके पहले, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स क्या होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स को लगा के यूवी रेज में जाना अलाउड नहीं होता, पर इसमें वैसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, इसमें बस बताया गया है कि आपको कितने बार लगाना है और कब कब लगाना है, ठीक है। हो गया अब स्टेप थ्री, अप्लाई जेंटली अराउंड द ब्रेस्ट लाइनिंग एंड मसाज जेंटली, मतलब आपको इसको जेंटली मसाज करना है इन अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर 10 to 15 मिनट्स। अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। तो हाउ टू यूज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कहता क्या है, आई मीन इससे होता क्या है, ठीक है। मे हेल्प इन इम्प्रूविंग कप साइज, मतलब आपका जो कप साइज है वो इम्प्रूव हो सकता है, अच्छा हो सकता है इसको लगाने से, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। दूसरा है मे हेल्प इन टाइटनिंग ऑफ मसल्स, मतलब जो मसल्स आपके बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, ये आपके मसल्स को टाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे हमें हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये प्रोडक्ट अच्छा कर देता है, इंप्रूव कर देता है, ठीक है। आगे हमें हेल्प इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ सैगिंग स्किन, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हमारे स्किन सैगी हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट हेल्प करता है उस सैगी स्किन को अपलिफ्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि 100% हर्बल है, बिल्कुल हर्बल है, और उसके बाद ये कहता है कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, नो साइड इफेक्ट। और ये कहता है बॉसम एनहांसिंग टोनिंग फर्मिंग एंड रिवर्सल सैगिंग, मतलब ये बिल्कुल टोन कर देगा आपके ब्रेस्ट को, एनहांस कर देगा, सैगिंग हटा देगा। तो ये सब जो मैंने अभी कहा ये इस प्रोडक्ट के क्लेम है कि ये ऐसा करता है, ऐसा होता है, पर क्या सच में ऐसा होता है? तो अभी जो मैंने बताया इस प्रोडक्ट का क्लेम था, ये प्रोडक्ट ऐसा कहता है कि ये सब करेंगे, लगाने से आपके साथ ये सब होगा, मतलब जो भी है इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स ये सारा होगा, पर द थिंग इज क्या इस पर विश्वास करना चाहिए? देखो यार मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि कोई प्रोडक्ट बकवास है, खराब है, पर क्या ये यूजफुल है? क्योंकि देखो हमारे स्किन की बात है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है अनफॉर्चुनेटली ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। लोगों ने इसको यूज़ किया 6 से 7 वीक्स, पर भी इसको कुछ उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पता चला है, ठीक है। इसका प्राइस है 599 रुपीज़, अमेजोन पे ये मिल रहा था, एक्चुअली अभी मैंने चेक किया तो आउट ऑफ स्टॉक है शायद, वो दिख नहीं रहा, पर इसका प्राइस अमेजोन पे था 599 रुपीज़, और मीशो पे इसका प्राइस है 668 रुपीज़, जो कि कम नहीं है, क्योंकि 1 रुपये कमाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसा प्रोडक्ट लें जो कि यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि आप उसको यूज़ करें पर कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये तो मेरा रिव्यू आयुर्वेदा ब्यूटीफुल ऑयल के ऊपर।
जिसका क्लेम था कि ये सब ये ब्रेस्ट के साइज एनलार्ज करता है, इनहेंस करता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो प्लीज़ बेवकूफ ना बने, कुछ भी चीज़ देख लेने के पहले रिव्यू देखे, अच्छे से चेक करें फिर ले। तो ठीक है, वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में सच में नहीं लगेगा, पर आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आपको पता चले कि मैंने क्या अपलोड किया और आप रिव्यू देख पाओ, फिर आप प्रोडक्ट ले पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक।